तो चलो करते हैं जी शुरू ये वीडियो। आज आपको वीडियो में दिखाते हैं कि ये स्टॉक LED HID है एंडेवर के, फोर्ड एंडेवर के अंदर, जो बाय डिफ़ॉल्ट आ रही है ऑसराम की D3S मॉडल है। और आज हम एक तरफ आपको दिखा रहे हैं कि इसका क्या विज़न है, और दूसरी तरफ हमने डाली है डी सीरीज़ की LED जो एपेक्स ने अभी हाल ही में लॉन्च करी है इंडिया के अंदर। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो के साथ, आपको वन बाय वन दोनों का दिखाते हैं क्या रिव्यू है और कैसे रिजल्ट्स हैं और कितनी ब्राइटनेस है दोनों में, डिफरेंशिएट करते हैं जी। लेट्स स्टार्ट। दिखा रहे हैं जी आपको, ये है कंपनी फिटेड HID की लाइट जो D3S इसमें बाइजन वन फिटेड आ रहा है। आप देख सकते हैं दूसरी हेडलाइट के अंदर मैंने अपना एक साथी खड़ा कर रखा है जो कि उसकी लाइट को बिल्कुल विज़न को ऑब्जेक्ट करके बैठा है। और ये है HID की, तो ये है जी एपेक्स की LED। साइड हो जाओ एक सेकेंड। ये है जी एपेक्स की LED जो कि 200% ब्राइटर है कंपनी फिटेड D3S से। तो ये विज़न में क्वालिटी में आप देख सकते हैं यहाँ से कितना डिफरेंस है। मैं आपको दोबारा दिखा रहा हूँ एक मिनट। ये कंपनी फिटेड HID है और ये हमारी LED है। डिफरेंस दोनों आपके सामने है, आप देख सकते हैं। और ये LED है। अभी आपको हम कंपनी फिटेड HID के आगे, भाई साहब आओ एक मिनट आगे, कितना को फ़र्क पड़ा आप देख सकते हैं। यहाँ पे नीचे एक सर्कल आ रहा है, सर्कल से पैर मार। अभी यहाँ से आपको सर्कल से पता चल जाएगा। साइड हो जाओ। ये दूसरा सर्कल आ गया जी साथ ही, फोकस जो है। यहाँ से आपको दोनों लाइटों का पता चल जाएगा कितना डिफ्रेंशिएट है। लाइट का थ्रो भी देख सकते हैं, विज़न और क्लैरिटी में डिफरेंस आपके सामने है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स फॉर योर टाइम।